प्रदेश की सड़कें खस्ता हालत हैं, जबकि सीएम खुद हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। हिमाचल में आम जनता समस्याओं से जूझ रही है, जबकि प्रदेश सरकार पूरी तरह से दिल्ली चुनाव में व्यस्त और मस्त है। ये आरोप एबीवीपी के जिला संयोजक अवि राणा ने प्रेस वार्ता में लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश की चिंता नहीं है, बल्कि दिल्ली चुनाव में मशगूल होकर रह गई है हिमाचल की सरकार। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दिल्ली शिक्षा व्यवस्था सहित सीयू निर्माण और सड़कों की खस्ता हालत के विरोध में एबीवीपी आज से आंदोलन शुरू करने जा रही है, ताकि सरकार को प्रदेश की स्थिति के बारे में अवगत करवाया जा सके। प्रदेश की सड़कों की खस्ता हालत है, जबकि सीएम खुद हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। हिमाचल में आम जनता समस्याओं से जूझ रही है, जबकि प्रदेश सरकार पूरी तरह से दिल्ली चुनाव में व्यस्त और मस्त है। ये आरोप एबीवीपी के जिला संयोजक अवि राणा ने प्रेस वार्ता में लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश की चिंता नहीं है, बल्कि दिल्ली चुनाव में मशगूल होकर रह गई है हिमाचल की सरकार। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ढीली शिक्षा व्यवस्था सहित सीयू निर्माण और सड़कों की खस्ता हालत के विरोध में एबीवीपी 7 फरवरी से आंदोलन शुरू करने जा रही है, ताकि सरकार को प्रदेश की स्थिति से अवगत करवाया जा सके। एबीवीपी के जिला संयोजक अवि राणा ने कहा कि प्रदेश के सीएम हेलीकॉप्टर में यहां वहां घूमते हुए दिल्ली के चुनावों में व्यस्त है, जबकि प्रदेश हित के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था ढीली है, इसके अतिरिक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी निर्माण सड़कों की हालत खस्ता है। कृषि विश्वविद्यालय और इक्टोल की बढ़ाई गई फीसों पर एबीवीपी आंदोलन करेगी। 7 फरवरी से आंदोलन शुरू करते हुए कॉलेज प्रिंसिपल के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। 8 फरवरी को सभी कॉलेजों में धरना प्रदर्शन होगा। 9 फरवरी को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल एबीवीपी द्वारा की जाएगी। इसके बाद जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर एबीवीपी के माध्यम से जिलाधीशों के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे। हमारे मुख्य मुद्दे जो हैं, जो हमारे अभी प्रदेश में आगामी आंदोलन में जो विषय भी चलने वाले, जो हमारी अभी प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक हुई, इसमें हमने जो कुछ विषय हैं वो निकाले हैं, जो हमारे कुछ वर्षों से जो मांग है, जो प्रदेश की सरकार इसको पूरा करने में असमर्थ दिख रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, जो खुद हेलीकॉप्टर में यहाँ वहाँ घूम के वो दिल्ली के चुनावों में व्यस्त होकर प्रदेश के तरफ ध्यान न देते हुए हमारे इन जितने भी मुद्दे हैं प्रदेश के, उन्हें बिल्कुल ही इग्नोरेंस कर रही है। तो जो हमारे मुद्दे हैं जो इस तरह से रहेंगे, जो प्रदेश की जितनी भी शिक्षा व्यवस्था जो ढीली पड़ी हुई है, इस तरह से चरमरा गई है, उन मुद्दों को लेकर अभी विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने वाली है। चाहे वो सड़कों की खस्ता हाल है, जो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जल्द से जल्द निर्माण है, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय की बढ़ाई गई फीस है, चाहे वो ICDL की बढ़ाई गई फीस है। हमारे जो जी अब आंदोलन रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। 7 फरवरी को विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर के सभी कॉलेज, सभी महाविद्यालयों में अपने प्रिंसिपल जी के माध्यम से सुरेश भारद्वाज, जो माननीय शिक्षा मुख्यमंत्री, उन्हें ज्ञापन देगी। 8 फरवरी को जो जितने विद्यार्थी परिषद की इकाइयां हैं वहां पर धरना प्रदर्शन व आंदोलन रहेगा। 9 फरवरी को जो विद्यार्थी परिषद है वो एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रखेगी, और उसके बाद विद्यार्थी परिषद अपने जिला मुख्यालयों में हर जगह DC ऑफिस के बाहर DC के माध्यम से CM को ज्ञापन देगी, ताकि वो जल्द से जल्द विद्यार्थी परिषद की आंदोलनों को पूरा करे। क्योंकि प्रदेश की सरकार इस वक्त पूरे ही अपने गहम में चली गई है, पूरे ही दिल्ली के चुनावों में व्यस्त व मस्त हो चुकी है। वो प्रदेश को बिल्कुल ही उन्होंने एक तरह से अलग ही करके रख दिया है। वो हमारे उन्हें ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञात होना चाहिए कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो हम इन आंदोलनों के द्वारा उन्हें चिताएंगे, वो बताएंगे कि विद्यार्थी परिषद किस तरह से अपने आंदोलन को उग्र बना के अपनी मांगों को पूरा करने में समर्थ है।